हेलो गाइस, तो मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त ट्रिपल है। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक हैक, जिससे आपके पुराने बेड को नया बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो। तो जितने भी आपके पुराने बेड्स हैं और आप उसको नया लुक देना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और इसे आगे फॉरवर्ड भी करिए। तो ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूँ ये प्रोसेस में क्या क्या लगेगा और क्या क्या नहीं लगेगा। पहले हम इसके जो पुराने स्टिकर्स है और जो गंदगी है वो साफ करेंगे, ठीक है। और फिर एक ग्रिप अगर आपको बदलनी हो और थ्रेडिंग भी आपको बदलनी हो तो वो भी कर सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले साफ़ सफाई का कर लेते हैं कि साफ़ सफाई करनी है और पहले इनको रिमूव करना है तो कैसे करें। तो इनके लिए कुछ आइटम्स लगेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये लगेगा सैंड पेपर, बोर्ड के लिए आता है, जो बोर्ड को घिसने के लिए, साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। और लगेगा एक मेन आइटम फेविकॉल, जो हर चीज़ में काम आएगा। वार्निश, जो बेड को शाइन और अच्छा प्रोटेक्शन वाटर से देने के लिए काम में आएगी। और ब्रश, जिससे हम लगाएंगे बेड में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और एक और चीज़ लगेगी, थिनर, थिनर जो काम आएगा स्टिकर और गम निकालने में, जो गम निकलेंगे नहीं आसानी से। और ये दो चीज़ जो घिसने के लिए काम में आएगी। चलिए गाइस स्टार्टिंग करते हैं। पहले निकालते हैं हम स्टिकर, या पहले ग्रिप भी निकाल सकते हो, जो भी हो, लेकिन ग्रिप में रहने देता हूँ, ग्रिप अच्छे काम में आएगी। अभी स्टिकर निकाल देता हूँ पहले। तो पहले स्टिकर रिमूव करने के लिए पहले तो हाथों से ही रिमूव करेंगे, जितना रिमूव होगा। जो स्टिकर आपको रखने हो वो आप रख सकते हो, जो नए स्टिकर, जो स्टिकर ख़राब हो चुके हैं जो निकालने हैं वो रिमूव कर दो। मैं ये वाले स्टिकर रखने वाला हूँ जो एक अच्छा है, गो प्ले करके, इसे मैं रहन दूंगा। बाकी स्टिकर सारे मैं हटा रहा हूँ स्ट्रॉस के, ये मैंने रिमूव करा। देखो रिमूव करने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं, रिमूव होते नहीं अच्छे से, इनका प्रिंट बेड पे रह जाता है, इसलिए हमें लगेगा थिनर। तो ये थोड़ा प्रोसेस हार्ड भी हो सकता है बहुत से बेड्स में, और मेरे बेड में भी हार्ड होने वाला ही है, क्योंकि आसानी से निकलेगा कि नहीं कोई नहीं कह सकता। इसमें आप कटर ब्लेड भी यूज़ कर सकते हो अगर स्टिकर ना निकल रहा हो तो। देखो ओवरऑल यूज़ करने के बाद वुड में कितना फ़र्क आ जाता है, जो स्टिकर लगा है वो वुड कैसा चमक रहा है और बाकी वुड काला हो चुका है बॉल से खेल खेल के। वापस इसको हम नया कर देंगे चमचमाता। जब आप बेड निकालो तो आपको इसमें अगर आपके हैंडल में क्रैक्स होंगे तो दिख भी जाएंगे थोड़े, तो उस पर अगर आपको क्रैक्स दिखते हैं तो उसी वक्त फेविकॉल, मतलब ये क्लीन करने के बाद पूरा इसको फेविकॉल भी करेंगे, मैं आपको बताऊँगा स्टिकर लगाने से पहले। पहले तो ये रिमूव करते हैं, देखते हैं इससे रिमूव होता है कि नहीं। हो रहा है इससे रिमूव, हो रही है स्टील वाले से, इससे जल्दी हो रहा है रिमूव, इससे करो। अब हम डालेंगे इस पर थिनर, थिनर आप ब्रश पे भी ले सकते हो, मैं भी वही करूँगा। लगाएंगे थिनर, थिनर से गम निकलने में आसानी होगी। और फिर इसको घीच दो, ये देखो अब कितनी आसानी से निकल रहा है थिनर लगने के बाद। थिनर लगने के पहले ये प्रोसेस बहुत मुश्किल थी, अब इजी हो गई है, अभी भी थोड़ी मुश्किल है वैसे, लेकिन हो जाएगी। गाइस ये स्टिकर भी क्लीन हो गया। अब लास्ट स्टिकर बचा है एक, तो ये फुली नॉक्ड वाला,
इसको हम रिमूव कर देंगे बड़ी बहरे में से। पूरे बेड को टी शर्ट से साफ कर लेंगे कैसे। अब गाइस मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे ये जो स्टिकर्स थे वो तो साफ हो गया बिल्कुल, न्यू ब्रांड न्यू लकड़ी लग रही है, लेकिन ज्यादा स्टिकर नहीं तो वो अभी भी काली है लकड़ी। तो उसके लिए अपन को लेना पड़ेगा सैंड पेपर, ड्राई पेपर भी कहते हैं इसको। इसको एक ऐसे टुकड़ा फाड़ लेना है जितना हाथ में लगे आपको, फिर उससे इस बोर्ड को घिसना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना घिसना है कि वाइट हो जाए, क्लियर नहीं ब्लैक 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 सब आ थोड़ा वाइट कुछ लोग आ गया उसमें। गाइस ग्रिप मैंने चढ़ा ली है, ग्रिप का काम भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए बेड कितना प्यारा लग रहा है, और एक बार इसे टी शर्ट से साफ कर देंगे, कुछ भी इस पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। गाइस अब ये पूरा क्लीन हो चुका है, बेड कैसे शाइन मार रहा है देख सकते हो आप खुद ही। अब इस पर लगाना है हमें यह है एशियन पेंट्स का टच वुड, जो वुड के लिए आता है, जो वुड को प्रोटेक्ट भी करेगा और इसको शाइन देने में भी मदद करेगा। तो अगर आपको भी चाहिए तो एशियन पेंट्स का वुड टच ले लेना आप। अब इसे खोलते हैं, खोलने से पहले इसको हिला लेना चाहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और इस पर इसकी कोटिंग करनी है। एक से ज़्यादा कोटिंग भी लग सकती है, क्योंकि वुड इसको पी भी लेता है, सोख भी ले एब्सॉर्ब भी कर लेता है। तो एक बार लगाना है, फिर थोड़ी देर बाद सूखने के बाद इसको देखना है कि इसकी कोटिंग चढ़ी कि नहीं। अगर वुड ने सोख लिया होगा ना तो ऊपर से ड्राई होगा, अगर ऊपर से ड्राई होगा नहीं है तो उसकी कोटिंग वापस से चढ़ानी है आपको, जब तक ऊपर से ये शाइनिंग और चिकना चिकना ना हो जाए, स्मूथ ना हो जाए, तब तक आपको उसकी कोटिंग चढ़ानी है। इसको ब्रश में लेना है, मैं नीचे रख देता हूँ, जैसे पेंटिंग करते वैसे ही करना है। देखो फिर गाइस लास्ट में स्टिकर्स लगाएंगे, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर करे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बेड के स्टिकर्स भी मिलते हैं और अलग से स्टिकर्स भी मिलते हैं, लेकिन मैंने अलग से स्टिकर्स मंगवाए, बेड की थीम के नहीं मंगवाए, क्योंकि वो तो बहुत कॉमन हो चुके हैं, और वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल भी है लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मीन्स वो बेड दिखाते स्टिकर तो ओरिजिनली दिखाते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट भेज देते हैं, वाइट वाइट की जगह पे ट्रांसपेरेंट करके, जो फिर बेड पे बहुत बेकार लगता है, ऐसा लगता है देखो। तो उससे तो अच्छा स्टिकर मंगवाओ पर्सनलाइज, आपका बेड यूनिक भी लगेगा। गाइस अब इसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा, टाइम तो इसमें लगेगा सूखने में, इंस्टेंटली नहीं सूखता ये। तो इसे रखते हैं और इसको दो तीन कोट और दूंगा, और मैं आपको कल बताता हूँ कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसा आया है, कैसा लग रहा है ये। गाइस जब तक ये सूख रहा है तो ब्रश को आप खुला मत छोड़ना, नहीं तो ब्रश भी ड्राई हो जाएगा और कड़क हो जाएगा। तो ब्रश को वही अपने थिनर में डुबा के छोड़ देना है, तो आप थोड़ी देर बाद तक इसको वापस से यूज़ कर सकते हो। और फर्स्ट कोट सूखते ही सबसे पहले मैंने इस पर न्यू ग्रिप चढ़ाई, क्योंकि पुरानी ग्रिप मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, उसका कलर कॉम्बिनेशन अलग था, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। Day 2 हेलो गाइस, तो मैंने बेड को कर दिया है वार्निश। अब देखो बेड कितना चमक रहा है,
वैसे एक लेयर में वार्निश हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी दो तीन लेयर लगा दी जान करके कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो देखो बेड कैसा चमक रहा है, लग रहा है क्या पुराना बेड जैसा। तो गाइस अगर फ्लिपकार्ट से आप स्टिकर मंगवाना चाहते हो एस जी के या दूसरी कंपनी के, तो वो मिल सकते हैं, लेकिन उसमें एक फॉल्ट ये है कि जो लोगो बना रहता है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो बैट की वुड दिखती है उसके पीछे, तो वो बहुत बेकार लगता है। और मैं कुछ यूनिक लुक देना चाहता हूँ इस बैट को, क्योंकि सबके पास वही बैट रहते हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने मीशो से गाइस ये मंगवाया है स्टिकर्स क्रिकेट थीम के, जिस पर सब क्रिकेटर्स के और अलग अलग क्रिकेट्स के बारे में कोट्स लिखे हुए हैं। तो गाइस इसको मैं बेड पे लगाऊंगा, तो मैं बेड पे आपको लगाता हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ बेड का, क्योंकि पहले इसको सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि किसको कहाँ बिठा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, सोच समझ के बिठाना पड़ेगा। तो गाइस मैं आता हूँ, बस यू गया और यू आया। फाइनली बेड हो चुका है रेडी, मैंने इतने स्टिकर्स यूज़ कर दिए बेड के ऊपर और फिर भी बहुत स्टिकर्स बच गए, एंड कुछ स्टिकर्स मैंने पुराने बेड से निकाल के भी इस बेड पे लगाए हैं। हेलो गाइस, तो बेड हो चुका है रेडी, सारे स्टिकर्स लगा दिए मैंने कुछ यूनिक करने के लिए। देखो आप फुल इंडिया टीम और CSK सपोर्टर होने के लिए CSK के स्टिकर, और बैक में साइड में ये वो रेडी टू फेस मी, एंड पीछे बिल्कुल डेंजर 360 क्रिस केयर, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत कोटिंग वगैरह। वो स्टिकर्स मेरे पास बचे हैं, लेकिन लगा सकता हूँ, लेकिन यही बेस्ट है इसलिए मैंने ये रहने दिया है। देखिए आप बैट पहले बिफोर कैसा था और अब कैसा है। तो गाइस आप भी ऐसा बैट यूनिक कुछ बना सकते हो अपना, जो बिल्कुल यूनिक लगेगा। आप पब्लिक में आप जाओगे तो बिल्कुल आपका बैट सबसे यूनिक और सबसे जोरदार लगेगा। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगी है, बहुत घंटे इसमें लगे हैं बनाने में, वेस्ट तो नहीं हुए हैं, काम ही आए हैं। तो गाइस टाटा बाय, बेस्ट टू यू।